तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखो, तीनों एक साथ चारा खा रहे हैं और उनमें झगड़ा भी हो रहा है। सुखा दिया उनको सुबह में, क्योंकि चारे की कुट्टी करने के लिए चारा ही नहीं था। तो इसको नहीं किया कुट्टी, तो इसको ऐसे ही डालना पड़ेगा। और लाइट अभी आएगी नहीं, कल आएगी सीधा लाइट। तो ये चारा ऐसे ही डलेगा, और आज भी कौन सा चारा आता है वो बाद में पता चलेगा। बाकी इन दोनों बैलों को भी सुखा दे दिया है, उनका भी खाना ख़त्म होने में है, फिर काम जाए हो जाएगा चालू खेत में। तो इनको सूखा है, और इन बच्चों को मैंने हरा दिया है, वो भी ऐसे ही डाल दिया बिना कुट्टी किए, तो वो खा लेंगे। बाकी और देंगे हम थोड़ी देर बाद, तो महाराज जो चाहेगा वो ले लेगा। तो ये बचा, ये डालेंगे उनको थोड़ा थोड़ा करके, दो तीन बार में ख़त्म कर देंगे। बाकी गाय को भी सभी को हमने दे दिया है सूखा चारा। रात को उन्होंने थोड़ी बहुत गंदगी की थी फार्म में, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद वो सफाई हो चुकी है, और सूखा अभी मिलेगा। और शाम को कौन सा मिलता है वो शाम को पता चलेगा, जिस तरह काम होगा उस तरह चारा मिल पाएगा। बाकी जो गंदगी की थी वो तो हमने फेंक दी इस जगह पे। और महाराज अभी जाएगा सूखा या फिर हरा, जो उसको चाहिए वो ले लेगा। अभी चाचा जी उसको सूखा रख रहे, उसको चाहिएगा तो जाएगा, नहीं तो फिर और दूसरी जगह सूखा खाएगा, उसकी साफ ले लेता है वो। हम देते वो चारा, उसको नहीं पसंद आता। कहाँ जाना है महाराज तुझे? ये अपना टाइगर आ चुका है, ये रहे दोनों। तो टाइगर को इस जगह पे थोड़े इन्फेक्शन हो गए थे, तो उसकी दवाइयाँ चल रही है अभी थोड़ी, थोड़ा मतलब 99% कवर हो चुका है। ये देखो ऐसे झगड़े करते हो, लेकिन कुछ काटता नहीं उससे भी। कोई डॉग ऐसे खेलते रहते गाय के बच्चों के साथ, लेकिन आज तक किसी डॉग ने बच्चों को काटा नहीं या फिर और कुछ हुआ। दोनों यहाँ पे बैठे हुए, चुटकू खड़ा हो गया। तो उनका चारा हो गया ख़त्म ये वाला, तो इसमें अब नया चारा डाल देता हूँ मैं। यह रहा महाराज का चारा पड़ा हुआ है, तो इसी को उनको दे दूँगा। और महाराज चला गया है वहाँ पर पुरानी जगह पर चारा खाने, तो इन बच्चों को भी अभी फिर से चारा दे दूँगा। हरा वाला अपना पड़ा हुआ है बांध का, तो वो डाल दूंगा, वो खा लेंगे। बैल चले गए हैं खेत में काम के लिए, और अपना इतना चारा पड़ा हुआ था, तो ये चारा मैं उन बच्चों को दे दूंगा, बाकी बैल खा लेंगे दोपहर को। और अभी भी घर से लोग आए हुए हैं, वो काट रहे हैं बांध पे चारा फिर से, वो फिर मुझे आज लेके आना है यहाँ पे, एक गट्ठा कर लेंगे, शाम को डालने के लिए काम में आएगा या फिर कल सुबह। और अपनी गाय ये रही सभी, ये देखो आज थोड़ी शांति दिख रही है फार्म में, क्योंकि भाग दौड़ नहीं है और धूप भी नहीं है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पे। ये रही अपनी सभी गाय, एकदम शांति है, ऐसा लग रहा है कि सारे मौन व्रत में चले गए हैं। ये देखो, और ये अपनी मकई, सामने आसमान में है बादल, पूरी तरफ छाव है, ना बारिश आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, ना धूप आएगी, ऐसी छाव पूरे दिन रहने वाली है। तो महाराज को दिखा दो मैं, खा चारा खा रहा है वो, आज बांध पे नहीं गया वो चारा खाने, उसने आज अच्छी जगह ढूंढ ली है कि भाई यहाँ पे चारा खाना है और यहाँ पे गंदगी करनी, तो देखेंगे गंदगी कर रहा है या खा रहा है। ये देखो ये यहाँ पे चारा खा रहा है, ये रहा, तो खाएगा यहीं पे जब तक खाना हो तब तक। तो अभी मैं जाता हूँ, और जो बाकी चारा है खेत में बांध का, वो लेके आता हूँ। तो इन दोनों को मैंने पानी रख दिया है, ये देखो पी रहे हैं दोनों पानी। तो इनका पीने के बाद उन बच्चों को भी पिलाना है, पानी पिलाना बाकी उन्हें, हरा चारा है, पियेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन पिला देंगे। और इनको मैंने पिला दिया, पी रहे वो अभी। और चारा महाराज का जो सूखा था वो इनने खा लिया। बैल आ चुके हैं वापस फार्म पे, अभी इनको और काम है थोड़ा, तो वो भी कर लेते हैं। बाकी हमने चारा काट के ले आए हम खेत में से, जो कि ये सुबह कुट्टी होकर डालने वाला है। अपना जो ये चारा है, ये इतना लेके आया हूँ मैं अपने बांध पे से, अभी काट रहे हो और आएगा वो शाम को डल जाएगा। सुबह के लिए हम बैलगाड़ी भर के ले आए हैं। खुराक में भी मैंने पानी डाल दिया, खुराक रख दी है थोड़ी देर बाद, अभी तो 3-4 घंटे है, उसके बाद हम गाय को देंगे शाम के टाइम, अभी दोपहर का टाइम है। और हल्की बारिश बूंदे शुरू हो रही है, अभी आएगी या फिर चली जाएगी या फिर रुकेगी वो कुछ भी पता नहीं है। अपनी गाय अभी बाहर ही है,
ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तब अंदर चली जाएगी। अभी बहुत हल्की बारिश है, पता भी नहीं चल रहा बारिश ऐसा, तो इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बारिश में इनको कोई दिक्कत नहीं। बाकी दिक्कत होगी तो महाराज और बाकी इन सब छोटे बच्चों को, जिनको हम बंद सेफ्टी में डाल दूंगा जब ज़्यादा बारिश होगी। और महाराज देखो चारे पे भी बैठ गया है, खाता कम गंदगी ज़्यादा करते, सो अभी चलते हैं हम उस वाले फार्म पे, वहाँ पे भी चारा और पानी का काम करना है, चारा डालना है और पानी पिलाना है क्योंकि बारिश होने वाली है। ये देखो पूरे आसमान में बादल ही बादल है, धूप नहीं है 2 दिन से अच्छी वाली, आज तो धूप ही नहीं, कल हल्की थी। सो भी इनको पानी पिलाएंगे फिर वहाँ जाएंगे। तो भाई अपने यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है और सामने से आ रही बारिश बहुत तेज, अगर अपने तक आ गई तो समझ लो पूरी जगह गीली कर देगी और बहुत तेज आने वाली है। तो अभी ये दोनों यहाँ पे हैं और चाचा जी आगे जाके खड़े, तो उनको जो अपना टब है तो उसमें चाचा जी ने और पिताजी ने प्याज भरे, जो अपने यहाँ पे सड़ गए थे, जो प्याज फेंक दिए थे तो उनमें से उन्होंने अच्छे अच्छे प्याज उठा लिए। और ये देखो ये टब भर लिया, वो बोल रहा है कि भाई उस वाले फार्म की गायों को डाल देंगे, यहाँ पे खराब हो रहे। सो अभी वो चाचा के सर के ऊपर ये रख देते हैं, हम छोटी कढ़ाई लेके चलते हैं। तो बारिश अभी आगे की साइड चली गई है, जहाँ आपने वाले ये सामने अपनी तरफ, तो सामने से जो बारिश थी वो सारी इस तरफ है। अभी अगर आएगी तो ठीक, अगर नहीं आएगी तो फिर कोई कर ही नहीं सकता कुछ। तो हवा तो उसी दिशा से है, अगर आ गई तो ठीक, ना आई तो कुछ तो कर नहीं सकते। बाकी ये दोनों यहाँ पे है, महाराज चला गया सूखा चारा खाने के लिए, इनको मैंने थोड़ा हरा डाल दिया, उन सबको भी मैंने हरा डाल दिया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो अपने बैल थे वो चाचा जी लेके चले गए, बोल रहे कि जब तक बारिश आएगी जो थोड़ा बहुत हल चलाने का काम होगा वो कर लेता हूँ। वो देखो और है सामने, वो चले गए हैं, अगर बारिश आएगी तो वापस आएंगे, अगर नहीं आएगी तो काम करेंगे। तो बोल रहे कि जितना हो उतना कर लेता हूँ क्योंकि बारिश आने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते, 2-3 दिन अगर ज़्यादा बारिश आई तो काम नहीं होगा खेतों में। तो चले गए। तो अभी मेरे को बोल के गए कि भाई तू फार्म के अंदर जो गोबर है वो उठा ले, ये उठा लेता हूँ मैं, 1-2 कढ़ाई जो निकलेगा वो देखो अपनी गाय बारिश में भीगने के लिए छाव के, मतलब बारिश में भीगना है उनको, तो पेड़ के नीचे नहीं गई वो, बाहर बाहर निकल रही क्योंकि ठंडक लग रही, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही। जो मैंने सुबह यहाँ चारा डाला था इसको उठा के अलग जगह डालना है जहाँ पे बारिश ना लगे, पत्रे के नीचे, तो इसको पहले डाल लेता हूँ इसको। तो बादल गरज रहे तो आवाज़ तो आ रहा है, अगर आ गई तो ठीक, ना आई तो भी ठीक। तो अभी कर लेते हम ये वाला काम और चाचा जी भी अपना काम करने के। तो अपनी गायों को अभी बांध दिया है, खुराक खाना हो चुका है, हरा चारा हमने डाल दिया है, आज पहले डाल दिया गायों का दूध निकालने से पहले और गाय खोलने से पहले। महाराज जब बाहर खुला, अभी दूध निकालना है तो उसको बांध के कोई फ़ायदा नहीं, अंदर ही बांधेंगे सीधा, रहे बच्चे सामने छोटे, बाकी वो उधर रहे, उनको लाना है। चारे को ढक दिया क्योंकि बारिश में गीला हो जाएगा, क्योंकि हल्की बारिश चालू है, अभी तक तो ज़्यादा बारिश आई नहीं, हल्की हल्की चल रही। इस साइड में पूरा चारा डाल दिया है, सेफ्टी रूम में भी चारा डाल दिया है, पानी रख के दिया है सेफ्टी रूम में, एक गाय को बाहर निकाल लिया, ये अपनी गाय को मारती इसलिए, बैल को भी चारा डाल दिया है। खेत के काम हो गए कम्प्लीट, अभी सिर्फ दूध निकालना है और घर पर जाना है, यहाँ पर चारा डालना बाकी है, यहाँ पर भी अभी डालेंगे गायों का दूध निकालने के बाद, फिर और नीचे डालने की ज़रूरत नहीं आज क्योंकि बारिश आ रही है, यह जो बाहर है वही गीला हो जाएगा, ऐसा हमें डर है। देखो बारिश की बूंदे का आवाज़ आ रहा है पत्रे के नीचे, ये देखो आवाज़ आ रहा है। तो अभी निकालेंगे दूध फटाफट और निकलेंगे घर के लिए। बूढ़ी गाय आज पूरा दिन बैठी नहीं, या फिर कल से बैठी नहीं पता नहीं, क्योंकि बैठी थी तो वो खड़ी खुद से बहुत मुश्किल से होती है, मेरे को लगता है वो 2 दिन से बैठी नहीं, क्योंकि कल दोपहर से खड़ी है, रात में भी खड़ी रही है और आज पूरा दिन खड़ी बैठी नहीं होगा। तो देखो इसको बहुत दिक्कतें हो रही है अभी, जैसे तैसे वो मुश्किल से वो दिन गुजार रही है, ना रात अच्छे से कट रही है ना दिन, और मैंने खाना उसको पहले ही दे दिया तो जल्दी जल्दी खा लेगी, क्योंकि चारा खत्म होने के बाद उसका पेट भरता नहीं और उसके जो दांत है वो गिर गए हैं, बिना दांत की है वो, तो उसको चारा खाने में दिक्कत आती है। तो अभी हम कर लेते हैं गायों का दूध निकालने का काम, गायों का 3 गायों का दूध निकालना है और दूध निकालने वाले 3 लोग हैं, तो फटाफट हम निकाल लेंगे, एक एक गाय आएगी तो निकाल लेते हैं दूध। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।